जी मैम, स्क्रीन नजर आ रही है सही सबको? हाँ जी, एक सेकेंड में कह रही हूँ कि कितने स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जी मैम, 2-3 मिनट वेट कर लें, जरा ज्यादा लोग आ जाएं। ठीक है मैम। वैसे तो ये था कि हम उनके साथ ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे, तो अगर कोई मिस हो भी जाता है तो वो ये था कि चले ठीक है, 2-3 मिनट अच्छा, हाँ, ये क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है और वो जी मैम। होता जाएगा, जाया होता जाएगा। चले ठीक है, करें स्टार्ट। तो मैम मैं 2:47 पे शुरू कर रहा हूँ। जी हाँ, खैर एक सेकंड, अपने मोबाइल पर जरा टाइम देखूं। 2:47, जस्ट अ सेकंड। जी बिल्कुल सही, प्लीज स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल शहजाद है और रोल नंबर 201819, और जो पेपर मैंने सेलेक्ट किया है उस पेपर का टाइटल है की फीचर आइडेंटिफिकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ स्मार्ट होम रेजिडेंट। ये जो पेपर है, ये जो इसके ऑथर्स हैं सैयद फहद तायर, काशिफ कफायत जिनका ताल्लुक एयर यूनिवर्सिटी से था, और लबीबा गिलानी फहद जिनका ताल्लुक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज से था। ये पेपर जिस जर्नल में पब्लिश हुआ उस जर्नल का नाम था जर्नल ऑफ एम्बिएंट इंटेलिजेंस एंड ह्यूमनाइज्ड कंप्यूटिंग। इसके पब्लिशर स्प्रिंगर थे। इसका इंपैक्ट फैक्टर 4.594 था और इसका जो DOI है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। जो इस पेपर की हायरार्की थी जिसको मैं फौरन गो थ्रू करूंगा वो ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। अच्छा, आज कल के दौर में जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं वो बहुत ज्यादा तरवीज करती जा रही है हमारे घरों में, तो उनको यूज करते हुए जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क हो रहा है वो है एक्टिविटी रिकग्निशन का। एक्टिविटी रिकग्निशन से मुराद ये है कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कोई खास चीज यूज कर रहे हैं, तो जो आजकल के या कमिंग फ्यूचर में जो स्मार्ट होम्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट तरह की IoTs या मॉनिटरिंग के डिवाइसेज और सेंसर्स लगे होंगे वो आपकी इन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे होंगे। और उसका जो बड़ा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इस पेपर ने डिस्कस किया वो था कि ऐसे स्मार्ट होम्स जहाँ पे वो ओल्ड एज वाले पर्सन रह रहे होते हैं, जैसा कि बाहर आपको पता है ओल्ड होम्स होते हैं तो वहाँ पे जो बुजुर्ग अफराद होते हैं वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग करनी कि वो किस वक्त सो रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर स्लीप ली है कि नहीं ली, उन्होंने प्रॉपर दवाई खाई है कि नहीं खाई, उन्होंने ईटिंग की है कि नहीं की, तो इस हवाले से जो एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर किया जाए। तो इस सिनेरियो को लेकर इस पेपर वाले आगे चले हैं और इन्होंने एक अपना नॉवल अप्रोच डिजाइन की और उसको टेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स चेक किए, जिसके अंदर दो पार्ट से एक तो ये था कि चूंकि अब एक काम करते हैं ना, लाइक आपने खाना खाना है तो खाना खाना बेस्ड अपॉन सम सीरीज ऑफ इवेंट्स होगा कि आपने पहले हाथ धोए हैं, फिर आप बैठे हैं, फिर आपने ईटिंग शुरू की है और देन आपने वो प्लेट फिनिश की है या जो भी इस तरह की ना, तो मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी जो कि मिलकर एक इवेंट को जन्म देंगी जिसका नाम होगा खाना खाना। तो उन्होंने इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स में इसको डिफाइड किया, एक तो ये कि आपने की फीचर सिलेक्शन करनी है और फिर उन की फीचर्स की ऑर्डर की बेस पे और उनकी एसोसिएशन की बेस पे आपने फाइनली एक इवेंट को डिटेक्ट करना है कि अगर ये बंदा हाथ धो रहा है तो ये बेसिकली एक इवेंट हो गया, तो इसके आने वाली एक्टिविटीज बताएंगी कि ये हाथ धोने का मतलब क्या, ये हाथ और मुंह धोने लगा था, अपने आप को फ्रेश कर रहा है, या हाथ धोने के बाद इसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की है जिससे पता ही चल रहा है कि ये खाना खाने लगा है। तो इस तरह से करके उन्होंने ये दो एक्टिविटीज KFS की फीचर सिलेक्शन और करेक्ट इनकोरेक्ट डिस्टेंस लर्निंग एंड रैंकिंग CIDLR इनको यूज करते हुए इसने मतलब उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई और डिटेक्ट किया। इसके लिए उसने ये बात की जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी जो एक इवेंट होता है वो डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर बेस कर रहा होता है और हर एक्टिविटीज इंस्टांस के अंदर डिफरेंट तरह के पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से आइडेंटिफाई होता है कि ये सारे मिलकर कौन सी वाली एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो आपके स्मार्ट होम के अंदर बाइनरी सेंसर्स लगे होते हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वो अपनी अपनी रीडिंग्स देते हैं और उन सारी रीडिंग्स को कलेक्टिवली एक जगह पे एनालाइज करके फिर आइडिया लगाया जाता है कि ये जो सारी एक्टिविटीज की इंडिकेशन आई है ये एक्चुअली सारी मिलकर कौन सी एक्टिविटी को जाहिर कर रही है, जिसका ये FJ वाले से फॉर्मूला उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था। उसके बाद जितने भी किसी एक्टिविटी के फीचर हैं उनके अगेंस्ट या आपको एक या एक से ज्यादा रीडिंग्स आएंगी, तो डिफरेंट सेंसर्स हैं, हर सेंसर कुछ ना कुछ रिपोर्ट कर रहा होगा, तो जितने भी एक्टिव सेंसर्स हैं जिनके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई रीडिंग मिली है किसी एक्टिविटी के बारे में, उन सारों का एक्यूमुलेटिव रिजल्ट निकाला जाएगा और रिजल्ट निकालने के बाद जाहिर है हर एक्टिविटी अपने अपने एंड में, हर सेंसर अपने अपने एंड में कोई रीडिंग दे रहा होगा, उन रीडिंग्स को नॉर्मलाइज करके 10
जीरो से लेके वन के दरमियान की फॉर्म में इस पेपर में उन्होंने ले आए, उसको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जो डेटा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इन्होंने प्रोसेस किया। सबसे पहले उन्होंने फीचर एक्सट्रैक्शन की, और फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद उन्होंने उस डेटा को नॉर्मलाइज करके जीरो और वन के दरमियान की वैल्यूज के अंदर ले आए, और उसके एंड में जो डेटा सेट बना उसको फिर उन्होंने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उसमें से उन्होंने एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन का वर्कआउट किया। ये किसी की आवाज आ रही है, मैं जरा एक मिनट ब्रेक लेना चाहूंगा। फैसल हां काइंडली जरा म्यूट कीजिए बाकियों के माइक, जी मैम वही ना म्यूट कर दें, मुझे भी ये डिस्टरबेंस हो रही थी कि जी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इस तरह से मतलब ये सिलसिला चल रहा था। ओके, तो एट द एंड इन्होंने जितने उसके अंदर से वो जो फीचर सेलेक्ट किए थे डिफरेंट सेंसर से, और जिन सेंसर की रीडिंग आ रही थी उसको नॉर्मलाइज किया था, और नॉर्मलाइज करने के बाद एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उनका ऑर्डर और पैटर्न देखा, और पैटर्न देखने के बाद उनको कुछ वेट असाइन किए, जितने भी नॉन जीरो एक्टिविटीज मतलब जिनके अंदर जीरो वैल्यू नहीं थी, जीरो से बड़ी वैल्यूज थी, उन सब के अगेंस्ट जो उन्होंने कलेक्टिव लेने के बाद उनको यहाँ पे कुछ वेट असाइन किए, और वेट असाइन करने के बाद उसको कंपेयर किया एग्जैक्टली जो चीजें उनके पास जो ऑलरेडी लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज थी। लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज के लिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन्होंने उसके बाद उसको अपना एक डेटा सेट के तौर पर एक ट्रेनिंग का डेटा सेट बना लिया। ये यहाँ से वो सारा प्रोसेस जो आपके सामने ऊपर वाली स्क्रीन में नजर आ रहा है, मैं एक मिनट अपना लेजर पॉइंटर ऑन कर लूं। जी तो ये यहाँ से उन्होंने एक्टिविटी डिटेक्ट की, उसके बाद वहां से उसकी फीचर सेक्शन की, फीचर सेक्शन करने के बाद जो फाइनलाइज हो गई, तो उन फीचर्स को उन्होंने डिफरेंट तरह के टारगेट और वेट असाइन करने के बाद एक लर्न कर लिया कि ये सारे जब एक्टिविटी या ये वाले सारे फीचर जब अकर होते हैं तो उसका मतलब है ये खाना खाने की एक्टिविटी हो रही होती है, स्लीपिंग की एक्टिविटी हो रही है, ये उन्होंने अपने पास असाइन कर लिया। उसके बाद जब भी उस ट्रेनिंग 5 मिनट्स हो गए हैं आपके, जी मैम चलिए मैं इसको आगे फॉरवर्ड कंक्लूजन की तरफ। जी मैम, तो उसके बाद इन्होंने दो डेटा सेट यूज किए, उन डेटा सेट को यूज करते हुए उन्होंने एक्यूरेसी को बेस बनाया, और एक्यूरेसी को बेस बनाते हुए उन्होंने अपने इस डेटा सेट को और इस वाले कंप्यूटर को जिसके अंदर उन्होंने 3 GB रैम और 3.3 GHz का वो लगाया, और उसके बाद उन्होंने जब इसको टेस्ट किया तो उन्होंने जितने दिन का डाटा लिया, तकरीबन 15-15 दिन का डाटा लिया उस डाटा सेट से, और उन्होंने एट द एंड ये वाली वैल्यूज असेस की इतनी एक्यूरेसी के साथ, ये जो आपके सामने नजर आ रही है कुछ चीजों की 94 है, कहीं की 100% है, इस एक्यूरेसी के साथ उन्होंने ये जो फीचर ऊपर लिखे हुए हैं कि आइडल, लिविंग, टॉयलेटिंग, शॉवरिंग, स्लीपिंग, ब्रेकफास्ट, डिनर, ड्रिंक, और दूसरे डाटा सेट में से टेलीफोन यूज, हैंड वॉशिंग, मील प्रिपरेशन, ईटिंग एंड क्लीनिंग, ये वाली एक्टिविटीज सक्सेसफुली डिटेक्ट कर ली। उसके बाद उन्होंने अपने रिजल्ट्स को कंपेयर किया डिफरेंट और जो रिसर्च लिटरेचर में टेक्निक्स थी, तो उन्होंने लिखा कि जो इनके वाले एरिया से जिसका नाम है KFS यूजिंग CIDLR, ये यहाँ पे KFS यूजिंग CIDLR, इसने बाकी रिजल्ट से काफी बेहतर कंपेयर किया, जिस तरह कि इसने 84 रिजल्ट लिया जबकि एक और टेक्निक ने 58 और 73 लिए, इसी तरह MRMR ने 54 और 80% रिजल्ट की जबकि इनके 84 आ रहे थे, इसी तरह से जो फीचर एक्सट्रैक्शन थी वहां पे भी इनकी 97% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने उस वाले फीचर को। अच्छा फैसल, नाउ प्लीज अभी बस इसको खत्म करते हैं, आप मुझे सिर्फ एक दो बातों के जवाब दीजिए। एक तो ये कि आपने जो पेपर सिलेक्ट किया है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि शायद वो क्या नाम है आपका, IoT वगैरह से रिलेटेड है, ऐसा ही है ना? जी मैम। हाँ हाँ, आपने बेहतर होता कि साइबर से सिलेक्ट करते ताकि वो ज्यादा रेलेवेंट होता, लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि इसमें जल्दी से मुझे आप एक क्वेश्चन का दें कि कौन सी मेन मैथमेटिकल जो यूज की गई है इसके अंदर, क्या कहना चाहिए उसको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज हुए मेनली, 2-3 के नाम जरा अगर आप लें। मैम सबसे पहले तो जो इसके अंदर इन्होंने यूज किया है वो ये जो इनका KFS है जो इसका एक्सेप्शन का फीचर था, उसके अंदर इन्होंने मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है, वो पेपर अगर आप मुझे इजाजत है मैं खोल के देख लूँ या मैं आपको बता दूंगा, एक तो उन्होंने वो यूज़ की थी। उसके बाद इसका जो बेसिकली सारा जो मेरे जहन में था, जो मैंने सर मंसूर से बात की थी और उन्होंने मुझे ओके किया था इस पेपर का, वो इस हवाले से किया था कि वो ये कह रहे थे कि इसके अंदर वो मैथमेटिकल का वो जो मॉडलिंग का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जो कि मैंने जल्दी जल्दी गो थ्रू करवा दिया था, जिसके अंदर पूरी उन्होंने मैथमेटिकल न्यूट्रिशन में अपना पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ था पेपर, उस हवाले से था।
और इसका नाम जो है ना वो मेरे जहन से भी निकल गया, वो जो एग्जैक्टली exactly अच्छा आप मुझे बताइए कि उसको उसको आपको आप कितना अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं आप खोलिए नहीं अभी इस वक्त टाइम नहीं होगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि उसकी उसकी कितनी यानी वैसे जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने जो यानी अगर मैं अगर अभी देखूं आपकी प्रेजेंटेशन से, एक तो उन्होंने डेटा नॉर्मलाइज किया, उसके बाद जहां पर एक खास जगह पे वो एस्टिमेट कर रहे हैं ना उसको उसकी, वहां पर भी यकीनन पीछे कोई ना कोई वो यूज हुई। जी मैम वो SVM एल्गोरिथम SVM और रैंक SVM इन्होंने यूज किया था वो फीचर आइडेंटिफिकेशन और मैचिंग के लिए। ये किया था कि मैं मैथमेटिकल नोटेशन के ऊपर ना मैंने दो तीन वीडियोस भी देखी, उसके बाद एक बुक थी मैथमेटिक्स की उसके अंदर हाउ टू रीड मैथमेटिकल नोटेशन लिखी हुई थी, तो मैंने काफी सारा उसके ऊपर टाइम लगाया। तो उसके बाद ये था कि मल्टीप्लिकेशन वाली थोड़ी लेकिन समेशन वाली और वो वाली मैंने सारी, क्योंकि उस पेपर में वही ज्यादा यूज हो रही थी, और एक उसके अंदर अलग से सेक्शन था कि मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो मैथमेटिकल प्रेशन के अंदर आप डिस्क्राइब करते हैं चीजों को वो कैसे आप कर रहे होते हैं, तो वो वाली सारी मैंने इसमें काफी कवर की थी। और अभी है कि मैथमेटिकल नोटेशन कुछ गलतियों के साथ पढ़ने का हल्का फुल्का आइडिया हो गया मुझे। चलिए अगर कोई बात मैथमेटिकल नोटेशन में लगी हुई है लेकिन मेरा इसके अंदर एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि ये साइबर सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड नहीं है, बेहतर होता कि उससे रिलेटेड पे आर्टिकल आप सिलेक्ट करते। और सेकेंडली ये है कि अब बाकी के स्टूडेंट्स के लिए भी है अब आगे, क्योंकि फर्स्ट जो होती है उसमें बहुत सारी चीजें हम सेटल कर लेते हैं कि कैसे हमने अपना लेकर चलना है, तो बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि ट्राई टू बी वेरी वेरी ब्रीफ ऑन द इनिशियल पार्ट, और फिर उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दें, और बाकी सारी चीजों को बेशक डिटेल के अंदर मत जाएं, ठीक है ना, ताकि हम 5 मिनट्स के अंदर हर एक की प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कर सकें। तो चलिए थैंक यू प्रोफेसर, नाउ नेक्स्ट।